एंड वेलकम दोस्तों। तो इस सफर का शुरू जब हुई थी तो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज एक एक वीडियो लेक्चर देंगे हिंदी इंग्लिश एंड बंगाली में। तो इस दौरान हम मैंने आपको करीब नौ चैप्टर का दिए थे जो कि जेनरल लेबोरेटरी अपैरेटस और यूनिट से संबंधित था और केमिस्ट्री से। तो फिर आगे का जब बच्चों लोगों को परीक्षा आ गया तो कुछ क्वेश्चन आंसर हमको सॉल्व करने पड़ा जिसमें कि एमसीक्यू था, डेफिनेशन था, ब्रीफ आंसर टाइप था एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर था। तो इसके बाद जैसे कि आप लोग जो आप मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको डिमांड है कि सर हम लोगों को एमसीक्यू करा दीजिए। तो हम आप लोगों को एमसीक्यू कराने जा रहे हैं, करीब 8 सब्जेक्ट पर हम कराएंगे। हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, बायोकेमिस्ट्री, लैब यूनिट्स एंड अपैरेटस, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। ये 8 सब्जेक्ट का ऊपर आपको हम हर एक सब्जेक्ट के मोर देन 1000 एंड अप टू 10,000 आप लोगों को हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि आगे डिमांड आपको क्या है। हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, एज अर्ली व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी आई वाज कमिट यू टू आई दैट टू सर्व यू सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज द टॉपिक्स इन हिंदी इंग्लिश एंड बंगाली। In that consequence, I have already served you 9 chapters of general laboratory science. After that, the institution exam was come to our neck, and so we just put some question answer in my last 12 videos. Where the MCQs, definition type, long answer type, and brief answer type questions was there. Now my subscriber, as per my subscriber demands, I am going to serve you now on 8 subjects and 10,000 MCQs. The subjects are hematology, blood banking, general pathology, lab units and apparatus, clinical pathology, parasitology, microbiology and histopathology. On these subjects, I will serve you more than 10,000 MCQs. So, you must like me, subscribe me and share my video and of course, pass me comment to review my channel. তো বন্ধুরা হ্যালো এবং ওয়েলকাম। তোমাদের আবার বলছি আমি যে আমরা প্রথমে শুরু করেছিলাম যে আমরা বিভিন্ন সাবজেক্টে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ডিসকাশন করব। সেরকম 9টা চ্যাপ্টারে আমি 3টে ল্যাঙ্গুয়েজেই করেছিলাম ভিডিও। এরপরে তোমাদের পরীক্ষা চলে আসাতে আমাকে একটু শিফট করতে হয়, শুধু কোশ্চেন অ্যান্সার দেবো, আমাকে 12টা ভিডিও বানাতে হয়। এরপরে তোমাদের ডিমান্ড অনুযায়ী, আমার অন্যান্য সাবস্ক্রাইবারদের ডিমান্ড অনুযায়ী আমি এখন তোমাদের 8টা সাবজেক্ট যেটা বললাম, এই 8টা সাবজেক্টের উপর মোটামুটি 10,000-এর বেশি এমসিকিউ পরিবেশন করব। তো তোমরা নিশ্চয়ই লাইক করবে, শেয়ার করবে এবং বেশি করে এটাকে শেয়ার করে দেবে এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো লেট আস স্টার্ট আওয়ার জার্নি। হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম মাই ফ্রেন্ডস। তো চলিয়ে আজ আমরা শুরু করতে হ্যাঁ হেমাটোলজি 3 নম্বর চ্যাপ্টার। তো 3 নম্বর চ্যাপ্টার ভি টোটাল কাউন্ট অফ ডব্লিউবিসি পর আধারিত হয়। থোড়া हमसे थोड़ा दिक्कत हो रही है, मेरा वॉइस दबा हुआ है 2 दिन से। तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को कि तब आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन तुरंत वीडियो आते ही आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगती है, यूट्यूब कोई पैसा नहीं करता है, ना ही आपका नेट बैलेंस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हेमाटोलॉजी चैप्टर 3। आज हम लोग ज़्यादा सीखेंगे, मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ये इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चन का रूप में दे रहे हैं लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, ट्रिक्स कम होगी, ट्रिक्स कम है इसमें। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट रेफर्ड एस, यानी जब डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा बढ़ जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं।
ये जो है बी नंबर ऑप्शन, ये हम लोग लिखने के लिए इसे लिखते हैं कभी कभी कि हाई हो गया, WBC हाई हो गया, ये चलता है। हाई टोटल काउंट, हाई TLC, ये सब हो गया लेमैन वाला, मतलब जिसको ये मेडिकल साइंस से जुड़े हुए नहीं है वो लोग कैसे लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। कोई शब्द का अंत में, जिसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स में अगर सिस ऐड होती है तो इसको मतलब जानिएगा ज्यादा संख्या में बढ़ जाना, और पीनिया अगर ऐड होती है तो इसको आप मानिएगा कि घट जाना। तो ल्यूको का मतलब पता है, ल्यूको साइट का मतलब आपको पता है, ल्यूको साइट का मतलब WBC, यानी द राइट आंसर इज ल्यूकोसाइटोसिस। ये हुआ मेडिकल का। नंबर 32, डिक्रीज WBC काउंट रेफर्डस। ऊपर वाला क्वेश्चन का जैसे है, लो TLC, WBC घट गया, नीचे एरो दिखा रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकोपिनिया, सो इट इज ल्यूकोपिनिया। ओके। नंबर 33, फिजियोलॉजिकल कंडीशन कॉजेस ल्यूकोसाइटोसिस, यानी मेरा कुछ फिजियोलॉजी जो बीमारी नहीं है, बीमारी तो हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजी, पैथो मीन्स डिजीज, फिजियोलॉजी मेरा मान नॉर्मल लाइफ में कुछ कारण से मेरा ल्यूकोसाइटोसिस हो सकती है, यानी WBC बढ़ सकती है। क्या है एज? एज इज द फैक्टर। जैसे हम लोग एज को फैक्टर मानते हैं, क्या जो एकदम नया जन्म लिया उसको हम लोग बोलते हैं नियोनेट्स। ये नियोनेट्स में WBC काउंट 18,000 तक नॉर्मल रहती है, तो एज इज द फैक्टर, एज के चलते बढ़ती है। प्रेगनेंसी ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ये पैथोलॉजी डिजीज नहीं है प्रेगनेंसी। सी नंबर है मस्कुलर एक्सरसाइज, हम ज्यादा जिम कर लिए। सीवियर पेन, कुछ कारण हमको पेन हो रही है, या तो चोट लगी या तो कुछ कारण। फिर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बाहर में बहुत ज्यादा है, इसके चलते, ये तीनों के चलते हमको हो सकती है। तो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके। नंबर 34, पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी डिजीज कंडीशन, जबकि न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस होती है, यानी ल्यूकोसाइटोसिस तो हो रही है उसमें न्यूट्रोफिल ज्यादा बढ़ रही है। ऑप्शन ए क्या है? लोबा निमोनिया और ब्रोंको निमोनिया। ऑप्शन बी है माइलॉयड ल्यूकेमिया, जो कि खास कॉमन ल्यूकेमिया है, माइलॉयड ल्यूकेमिया। यह है एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, एक्यूट एपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स का, और एक्यूट पेरिटोनाइटिस यानी एसाइटिक फ्लूइड, जो पेट फूल जाता है, बांग्लाय जाके बोले उदोड़ी, सेरकम कंडीशन होले हमारे ये कंडीशन में हम लोगों को ये सभी में बढ़ जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी इसमें जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ ये ज्यादातर आपको ट्रिक्स नहीं दे रहे, इसमें हम 500 क्वेश्चन बना सकते हैं, तो हम ट्रिक्स नहीं बना रहे। पहले पहला मतलब है आपको, हम जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसको आप बारीकी से याद कीजिएगा, इसी में क्वेश्चन आ जाएगा तो घुमा फिरा के आ जाएगा, तो आप दुविधा में पड़ जाइएगा, गलती आंसर हो जाएगी। नंबर 35, पैथोलॉजिकल कंडीशन कॉजेस लिम्फोसाइटोसिस, यानी जब बीमारी के चलते जब लिम्फोसाइट का संख्या खास करके बढ़ जाती है। ये नंबर है हुपिंग कफ, इंफेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस एंड सिफिलिस। ऑप्शन बी है ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, मिजिल्स। ऑप्शन सी है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हम सब ज्यादातर सब ऑल ऑफ द अबव आंसर इसलिए है कि हम ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको याद करने में सुविधा होगी। नंबर 36 इज पैथोलॉजिकल कंडीशन कॉजेस इयोसिनोफिलिया। देखिए अभी ये न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस है, नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं, इयोसिनोफिलिया यानी जो कि ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स है उसमें हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया, यूसोनोफिलिया, बेसोफिलिया, और जो एग्रानुलोसाइटिक है जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होती है उसमें हम लोग बोलते हैं कि लिम्फोसाइटोसिस, मोनोसाइटोसिस, लाइक दैट। पैथोलॉजिकल कंडीशन कॉजेज यूसोनोफिलिया, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, पैरासाइट्स, जब फाइलेरिया का इन्फेक्शन होती है, हुक वर्म का खास करके इन्फेक्शन। बी है ब्रोंकियल एस्थमा,
सी है ट्रॉपिकल यूसोनोफिला, ट्रॉपिकल यूसोनोफिला मतलब गर्मी का देश में कॉमन यूसोनोफिल थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, इसको नॉर्मल का काउंट कर लेते हैं ज्यादातर, एंड ऑल ऑफ द अबव, तो ये है, ये भी ऑल ऑफ द अबव, तो ये देखिए ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव आंसर है चारों क्वेश्चन, तो ऑल ऑफ द अबव आपको हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो चलिए नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 38 हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम जो ज्यादा ज्यादा का बात कर रहे थे इसका, पहले हुआ न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट, अभी मोनोसाइट। 39 पैथोलॉजिकल कंडीशन कॉजेस मोनोसाइटोसिस, एक नंबर है सिफिलिस कालाजार मलेरिया, दो नंबर है इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस और ट्यूबरकुलोसिस, तीन नंबर है मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये तो है मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया तो बढ़ेगा ही, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दिए कि इससे हम आपका ट्रिकी को हम जो ट्रिक वाला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। नंबर 40 है पैथोलॉजिकल कंडीशंस कॉजेस बेसोफिलिया, तो क्या है मीजल्स है, बेसोफिलिक ल्यूकेमिया जरूर बढ़ेगा, मलेरिया एंड ऑल ऑफ द अबव, तो ये सब तो ऑल ऑफ द अबव है, कोई बात नहीं है। 41 पैथोलॉजिकल कंडीशन कॉजेस ल्यूकोपेनिया, यानी अभी घटने का बारिश शुरू हो गया और इतना देर ल्यूकोसाइटोसिस चल रहा था, अभी ल्यूकोपेनिया, तो क्या क्या कंडीशन, बैक्टीरियल इंफेक्शन, क्या क्या, एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर जो कि हमको टाइफाइड फीवर कॉमन है इसको हम लोग बोलते हैं एंटेरिक फीवर, जो टाइफाइड पैराटाइफाइड है, फिर ट्यूबरकुलोसिस, वायरल इंफेक्शन क्या है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, मीजल्स है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन यानी प्रोटोजोआ के जरिए होता है मलेरिया, क्रॉनिक कालाजार एंड ऑल ऑफ द अबव, तो ये सब में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते जाइए और इसको जरूर याद कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जब आएगा तो इसको ऊपर बहुत पेचीदा सवाल होगा आपसे। टाइप्स ऑफ एनीमिया कॉजेस ल्यूकोपेनिया, अब ल्यूकोपेनिया, अब जो ल्यूकोपेनिया क्या एनीमिया के चलते क्या ल्यूकोपेनिया होती है, विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बट द राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, अभी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर, यानी विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी के लिए एनीमिया नहीं होती है, ल्यूकोपेनिया नहीं होती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चलते ल्यूकोमिया होती है। अब 37 ल्यूकोपेनिया विद रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज लेस बट उसमें लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है, क्या कंडीशन, एंटेरिक फीवर, मलेरिया, सी मीजल्स, डी बोथ ए एंड बी, तो इसमें भी आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी आपका मीजल्स के चलते आपको ये नहीं होती है ल्यूकोपेनिया विद रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस, ये मीजल्स के चलते नहीं होती है, जैसे विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी के लिए, विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए ल्यूकोपेनिया नहीं होती है। उसी तरह 38 क्या है, ल्यूकोपेनिया विद रिलेटिव मोनोसाइटोसिस, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट लेस है बट मोनोसाइट बढ़ा हुआ है, क्या है, ऑप्शन है कालाजार, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, ऑल ऑफ द अबव, ये हो गया ट्रिकी क्वेश्चन, ये द राइट आंसर इज कालाजार, यानी डेंगू और इन्फ्लुएंजा जो कि वायरल इन्फेक्शन है इसके चलते आपका ल्यूकोपेनिया विद मोनोसाइटोसिस नहीं होती है। ओके तो चलते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 43 मिसेलिनियस कॉजेस ऑफ ल्यूकोपेनिया, यानी जो हम लोग पढ़ रहे थे एनीमिया के चलते ल्यूकोपेनिया होता है, बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, इसका अलावा और क्या क्या कारण हो सकती है, मायलोफाइब्रोसिस, हाइपरस्पेनिज्म, एल्यूकेमिक ल्यूकेमिया, ये इसको ल्यूकेमिया के दौरान डिटेल्स में पढ़ाएंगे, और ऑल ऑफ द अबव, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सब आपको इंफॉर्मेशन के लिए ज्यादा क्वेश्चन है। नाउ 44
न्यूक्लिएटेड आरबीसी जिसको अभी क्या है, जब हम डब्ल्यूबीसी काउंट कर रहे हैं उसमें जो जेंसन वायलेट है उसको नहीं पता कि आप डब्ल्यूबीसी है चाहे आप आरबीसी है। अभी जो आरबीसी में जब न्यूक्लियस है जो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएटेड आरबीसी और एरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं, तो उसमें नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं, तो उसको जो न्यूक्लिएटेड आरबीसी यानी एनआरबीसी जिसको बोलते हैं, एनआरबीसी को कैसे हम काउंट करते हैं, काउंट ऑफ एनआरबीसी इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इनटू परसेंट ऑफ एनआरबीसी, यानी एनआरबीसी का परसेंट हम निकालते हैं स्लाइड से, यानी पेरिफेरल स्मियर एग्जामिनेशन से। अब इसके बाद जब टोटल काउंट डब्ल्यूबीसी के किए, अगर ये एनआरबीसी का संख्या है तो ये हमको टोटल काउंट को थोड़ा करेक्शन करने पड़ता है। किस तरीके से कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट माइनस एनआरबीसी, यानी टोटल ल्यूकोसाइट का जो काउंट किए इससे फिर एनआरबीसी जो यहाँ काउंटिंग आते हैं इसको माइनस कर देते हैं। नाउ इट इज एप्लीकेबल व्हेन देयर द नंबर ऑफ एनआरबीसी इन पेरिफेरल ब्लास्ट स्मियर एग्जाम इज, आपसे सवाल किया जा रहा है कि ये जो करेक्शन टोटल काउंट जो नौबत चिमा में किए हैं इसको फिर करेक्शन करने का आपका नौबत कब आएगी, कि वेरी हाई काउंट एनआरबीसी का काउंट बहुत ज्यादा, वेरी लो बहुत कम, यानी बहुत ज्यादा तो है सही कारण, बहुत कम है तो वो तो नॉर्मल कंडीशन है, नहीं रहना सबसे नॉर्मल है, अगर बहुत कम है एक दूठा है तो वो तो नॉर्मल कंडीशन है, तो वेरी लो को नहीं लेना है। तो वेरी लो जैसे हमने इसको नकार दिए वैसे ऑल ऑफ द अबव द ऑप्शन काट हो जाती है। अब बचे दो ऑप्शन, वेरी हाई और सिग्निफिकेंट नंबर, तो मेन है यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर, आंसर इज द सिग्निफिकेंट नंबर, ये हाँ दो चार पांच दस हो गया, उसके बाद हमको इसको ये करेक्शन करने पड़ता है टोटल ल्यूकोसाइट को। कैसे करेक्शन करते देखिए, मानिए कि आप टोटल काउंट किए हैं 12,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर और पर माइक्रोलीटर, और एनआरबीसी जो पेरिफेरल स्मियर से किए वो 20% किए, यानी 100 आरबीसी में 20 तो एनआरबीसी है, तब हुआ 20%, तो इसको हम लोग करते हैं 1000 गिनते हैं, 1000 में 200 यानी 100 में 20 एनआरबीसी है, ठीक है। अभी जो कि न्यूक्लिएटेड आरबीसी का एनआरबीसी का टोटल काउंट कैसे करेंगे, टीएलसी 12,000 इंटू 20%, ये परसेंट ऑफ एनआरबीसी, तो 20% 20/100, तो इसको काटने के बाद आता है 2400 सेल्स। अभी करेक्टेड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या है, टोटल काउंट माइनस एनआरबीसी काउंट, अभी टोटल काउंट हमको कितना मिली थी क्या 12,000, यहां से ये 2400 आरबीसी आपको फॉल्स काउंटिंग हो गया एज ए डब्ल्यूबीसी, क्योंकि नोबर चेंबर में समझना मुश्किल है वो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड आरबीसी है कि मोनोसाइट है कि लिम्फोसाइट, आपको लगेगा कि चलो लिम्फोसाइट है, तो अभी 12,000 से 2400 आपको माइनस करना है, जबकि फाइनल काउंट होगा इस समय आपको काउंटिंग देना होगा 9600 पर माइक्रोलीटर और पर क्यूबिक मिलीमीटर, जैसे भी आप लिखते हैं वैसे लिखिए पर क्यूबिक मिलीमीटर। नाउ नंबर 45, मैनुअली टोटल ल्यूकोसाइट कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ, यानी मैनुअली जब हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं तो किसके जरिए हम करते हैं, अभी आपका ऑप्शन क्या दे रहा है देखिए, ऑप्शन आपका दे रहा है फुक्स रोसेंथल चेंबर, इसका नाम आप बहुत कमल आप लोग सुने होंगे, स्पियर्स लेवी चेंबर, नोबर चेंबर, ये तो सब सुने, तो ये आंसर हो सकती है सी नोबर चेंबर, लेकिन ये इससे भी हम कर सकते हैं फुक्स रोसेंथल चेंबर और स्पियर्स लेवी चेंबर, ये हम जब टोटल काउंट पढ़ाएंगे पूरा बाकायदा पढ़ाएंगे तब हम ये सब का देंगे कि इसमें कैसे काउंट किया जाता है, एंड सो दैट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव, यानी कोई भी चेंबर लेके हम काउंट करते हैं। देखिए सबसे पहले चेंबर हम लेते कह लिए हैं, ये चेंबर लेने का मेरा मकसद सिर्फ देखिए
कि मानिए कि आपको एक चेम्बर में बाकायदा बता दिया जाता है कि आप इतना भर एरिया में काउंट कीजिएगा तो इसका लेंथ एक्यूरेटली मेजर्ड इन द लैब कि 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर है, तो आपको पता चले कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। लेकिन आप डब्ल्यूबीसी का एक कॉर्नर अब थोड़ा जहन में रखिए कि एक कॉर्नर आप याद कीजिए कि 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर इसमें भी काउंट करने जाइएगा। अगर बहुत सारी सेल होगी तो इसमें आपको गड़बड़ आ जाएगा, किसको गिने भाई, किसको नहीं गिने, किसको गिने किसको नहीं गिने, गड़बड़ आ जाएगा। तो बाकायदा तब इसको क्या करते हैं, इसमें एक ग्राफ डाल देते हैं। ये ग्राफ डालने से क्या होती है कि हमको काउंट करने में सुविधा होता है कि कहां हम किए हैं, कौन घट्टो किए हैं, कौन घट्टो नहीं किए हैं। तो इसी यही महत्व तो है चेंबर का। अभी नंबर 46 कि फॉर टोटल काउंट ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, यानी जब बॉडी फ्लूइड का काउंट करते हैं एंड सीएसएफ द प्रेफरेबल डाइल्यूशन इज, कौन सा डाइल्यूशन में करेंगे। सबसे पहले कि बॉडी फ्लूइड्स का नॉर्मल जो है कि वो 30, 40, 50, 100, 200 बॉडी फ्लूइड्स पर क्यूबिक मिलीमीटर इसका नॉर्मल वैल्यू है कि 100 पर क्यूबिक मिलीमीटर जो आप करते हैं, तो मोर देन 500 सेल हो जाती है तब वो सिग्निफिकेंट होता है कि उसको उसका ट्रीटमेंट का दरकार पड़ता है, मोर देन 500, मोर देन 400। तो देखिए तब कुल आपका रिपोर्ट जाएगा, आपका टोटल रिपोर्ट क्या जाने वाला है कि मानिए कि आपका रिपोर्ट जा रहा है 600 पर क्यूबिक मिलीमीटर कोई बॉडी फ्लूइड आप टेस्ट किए हैं, मानिए कि आप सीएसएफ का टेस्ट किए, तो इसको रिपोर्ट इतना जा रहा है। अब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हुआ जो मिला कि आप 600 रिपोर्ट उसको दे रहे हैं, तो आप कितना सेल देखे थे, N × 50 = 600 सेल देखे थे, ये फॉर्मूला आप डाले थे। तो अभी आप सेल गिने थे कितना, 50, तब कितना हुआ, सिर्फ आप 12 सेल गिन के 600 रिपोर्ट दिए। आप 12 सेल में कोई 13 सेल गिन सकता है उसका रिपोर्ट 650 हो जाएगी, कोई 14 सेल गिन सकता है उसका रिपोर्ट 700 हो जाएगी, कोई वहां 10 गिन सकता है, थोड़ा गलती इधर उधर जस्ट थोड़ा सा मिस्टेक, तब क्या होगा उसका रिपोर्ट घट के 500 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इसको घटाने के लिए आप सबसे पहले डाइल्यूशन काय करेंगे, डाइल्यूशन करते हैं कि वो डब्ल्यूबीसी तो व्हाइट सेल है, उसको पहचानने के लिए उसको स्टेन करने का दरकार है, इसलिए उसमें जेंसन वायलेट है जो कि टार्स फ्लूइड हम लोग यूज करते हैं, वही डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड को यूज करते हैं, लेकिन टोटल ल्यूकोसाइट का काउंट कर रहे हैं किसका, बॉडी फ्लूइड एंड सीएसएफ का कर रहे हैं। तो इस समय हमको जो टारगेट रहती है कि हम डाइल्यूशन जितना कम कर सके, तो डाइल्यूशन 1 more than 1:1:50 ये तो हम जब सेल काउंट हाई हो जाती है तब करते हैं, 1:20 हम डब्ल्यूबीसी काउंट जबकि नॉर्मल 8,000, 10,000, 12,000, 20,000 आती है उसके लिए करते हैं, तो ऑब्वियसली उससे कम डाइल्यूशन हमको करने होगा जो कि 1:10 भी हो सकती है, 1:5 भी हो सकती है, 1:2.5 भी हो सकती है, 1:1 भी हो सकती है। तो उसको तय करेंगे कैसे कि पहले जे फ्लूइड का जब टोटल काउंट करने जाते हैं हम पहले क्या करते हैं, एक वेट स्लाइड बनाते हैं। वेट स्लाइड मतलब सिंपल एक ड्रॉप फ्लूइड लेके उसमें कवर स्लिप डाल के माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि पार हाई पावर फील्ड कितना सेल हमको देखने को मिलता है, हमको जैसे 5-6 देखने को मिलता है तो नॉर्मली हम 1.25 से कर देते हैं, नहीं तो 1.5 डाइल्यूशन से कर देते हैं। हमको इससे ज्यादा सेल मिलेगा तो हम डाइल्यूशन चढ़ाएंगे, 1:10 करेंगे। हमको अगर एक फील्ड में हमको नजर आ कि 20 सेल आ रहा तो हम चले जाएंगे 1:20 सेल, अगर 30 सेल नजर आ रहा 40 सेल तो हम चले जाएंगे इस डाइल्यूशन में, यानी जितना सेल हमको ज्यादा नजर आएगा उतना मेरा डाइल्यूशन बढ़ेगा, जितना सेल हमको कम नजर आएगा उतना मेरा डाइल्यूशन घटेगा। तो सो द राइट आंसर इज सी। ओके, नाउ नंबर 47 ड्यूरिंग पेरीफेरल स्मियर, बाकायदा क्वेश्चन को देखिएगा, ड्यूरिंग पेरीफेरल स्मियर एग्जामिनेशन यू हैव अस्यूम दैट द टीएलसी माइट बी देर से 2 लाख पर माइक्रोलीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी पेरीफेरल स्मियर जब आप देख रहे हैं आपको लगा कि आपको अब अस्यूम किए, आप सोच लिए, आप
मनी मन कैलकुलेट किए कि ये जो इसका टोटल काउंट माइट भी इसका टोटल काउंट हो सकती है 1.5 से 2 लाख, इतना दूर जा सकती है। नाउ योर प्रेफरेबल डाइल्यूशन वुड बी, अभी आपका क्या डाइल्यूशन होगी? देखिए 1 more greater than is equal to 1:50, बी ऑप्शन है 1:200, सी ऑप्शन है 1:250, डी ऑप्शन है 1:300। देखिए सबसे मजेदार बात है, जितना डाइल्यूशन बढ़ाइएगा आपको काउंटिंग करने में उतना आसान होगी बात। आप एक तो कल्पना कर लीजिए कि यहाँ पर सभी आंसर राइट है, राइट यहाँ पर सभी आंसर है, हम कोई भी डाइल्यूशन में करेंगे, जितना मेरा डाइल्यूशन कम होगा उतना हमको दिक्कत ज्यादा बढ़ेगी, जितना डाइल्यूशन बढ़ाएंगे हम मेरा सेल कम गिनने पड़ेगा। जैसे कि काल जो हेमाटोलॉजी 2 में है उसमें देखिए हम बाकायदा समझाए थे कि अगर हम 1:150 डाइल्यूशन करते हैं और जबकि हम 256 सेल पूरा 64 घर में गिनते हैं, जबकि एक छोटा सा स्मॉल स्क्वायर में हम ओनली 4 सेल्स गिनते हैं, तब मेरा काउंटिंग चला जाता है 96,000। जब हम 1:150 डाइल्यूशन में कर रहे हैं पूरा 64 स्मॉल स्क्वायर्स, यानी ये वाला जो आपका स्मॉल स्क्वायर्स था, ये इसका 64 तो स्मॉल स्क्वायर्स, इसको जब गिन रहे थे तो इसमें आपको 256 सेल गिन रहे थे, 64 स्क्वायर में हर एक में हम एवरेज 4 सेल गिन रहे थे, जो कि बहुत आसान है गिनना, तब मेरा काउंट चला जा रहा था 96,000। अभी हम यहाँ पर आपको फिगर क्या डाले हैं कि 1.5 से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख का मतलब हुआ 96 का डबल कितना होती है 1,92,000, तो उसी को पकड़ के चलिए। तो कल अगर हम 150 डाइल्यूशन में किए थे तो आज अगर हम ये 300 डाइल्यूशन में कर लेते हैं तो हमको मोटा मोटी वही सेम 256 सेल गिनने होगा, 64 घर में गिनेंगे, हर एक मंथ में हम 4 सेल गिनेंगे, जबकि मेरा काउंट चला जाएगा 1,92,000। इसको आप ट्राई कीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में डालिए, हम आगे कोशिश करेंगे और डिटेल्स में समझाने का, आरबीसी का दौरान भी हम समझाएंगे। तो चलिए, तो नेक्स्ट मिलते हैं हेमाटोलॉजी 4 का साथ, कल ही मिलते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।